ब्रह्म जो है ना तो उसका कोई वर्ण है और ना उसका यह है कि स्त्री है कि पुरुष है। ब्रह्म तो एक ज्योति है अथवा ब्रह्म जो है वो एक सत्ता है, एक शक्ति है। जैसे बिजली है, लाइट में जुड़ गई तो प्रकाश देने लगी, और पंखे में लग गई तो हवा देने लग गई, हीटर में लग गई तो गर्मी देने लग गई। पर विद्युत तो एक है, वो पावर तो एक है। उसी प्रकार वो पावर माने वो सुप्रीम पावर कौन सा है? बोले वो परम ब्रह्म रूप है। वही कभी नारायण कहलाता है, कभी देवी कहलाता है, कभी रुद्र कहलाता है। ये बात इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि आप लोग कहेंगे भागवत में तो आप कहते हैं नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सिर्फ पुराण करेंगे 23 तारीख से तो कहने लगेंगे भगवान शंकर ही सबको प्रकट कर रहे हैं। भैया सभी सृष्टि हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, ये सब एक ही तत्व है। विविध प्रकार की लीलाएं इन ब्रह्म के द्वारा संपादित होती हैं।